बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सो आज से हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। और फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हंटिंग। सो हंटिंग में जो है हंटिंग है क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हंटिंग जो है बेसिकली जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अमेजन फील्ड से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा अच्छे से कि हंटिंग किससे कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है। सो प्रोडक्ट रिसर्च एक ऐसी टेक्निक है और एक ऐसा जो है एक सर्विस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक ऐसी विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जिसके थ्रू हम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऐसी विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो और हाई सेल जनरेट करने में हमारी हेल्प करे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ जो है हमें क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को देखना पड़ता है, ठीक है, कुछ कंडीशंस को देखना पड़ता है हर प्रोडक्ट में। इसी तरह हम जो है यहाँ पर ब्रांड हंटिंग में भी देखेंगे कि प्रोडक्ट और ब्रांड के ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही जो है क्राइटेरिया है कि प्रोडक्ट रिसर्च में बेसिकली हमने ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ऐसी ब्रांड को सिलेक्ट करना है जिसमें जो है अमेज़न इन्वॉल्व ना हो, उसकी हाई सेल्स हो, हाई रेटिंग हो और इसी के साथ साथ जो है वो एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग हो, यानी कि उसकी लिस्टिंग या डिटेल पेज में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग ना हो। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया भी हम देखते हैं। अब चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो बिफोर हंटिंग आप लोगों को हाउ नो होनी चाहिए कि मार्केट प्लेसेस कौन सी होती हैं, मार्केट प्लेसेस जो है किन मार्केट प्लेसेस में हमने हंटिंग करनी है, सो दैट हम सबसे पहले ये देख लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि इन मार्केट प्लेसेस में हंटिंग से पहले हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, किन किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। सो ताकि हम हंटिंग के लिए अपने अकाउंट्स और मार्केट प्लेसेस को रेडी रखें। ठीक है, तो ये कुछ मार्केट प्लेसेस हैं। मार्केट प्लेसेस क्या होती हैं, अमेज़ोन की वो वेबसाइट्स या वो कंट्रीज जहाँ पर अमेज़ोन जो है अलाउ करता है सेलिंग के लिए, तो उन्हें कहते हैं अमेज़ोन मार्केट प्लेसेस। ठीक है, तो बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं। अमेज़ोन की ऑलमोस्ट 82 कंट्रीज़ हैं जिनको अमेज़ोन एज अ सेलर परमिशन देता है, तो उनमें से कुछ स्टेट्स को परमिशन है कि वो अपनी मार्केट प्लेसेस की यूआरएल को यूज़ करते हुए अपना जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती हैं। ठीक है, तो ये एक जो है मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट दिया है जो कि ऑल द वर्ल्ड पूरी जो है दुनिया में अमेज़ॉन जिन जिन स्टेट्स में या जिन एरिया में अलाउ करता है अपनी मार्केट प्लेसेस को या फिर कंट्रीज को, उनके 4 पार्ट्स हैं बेसिकली, अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक एंड मिडल ईस्ट। ठीक है, हर जो है स्टेट में, हर कंट्री में उनके अपने जो है यूआरएल यूज़ होते हैं। ठीक है, उनके स्टेट्स के अकॉर्डिंग, लाइक अमेरिका है तो उसके स्टेट्स में यूएसए में amazon.com, इसी तरह कैनेडा के लिए amazon.ca यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट यूआरएल हैं, इन लिंक्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इन मार्केट प्लेसेस की यूआरएल को यूज़ करते हुए बायर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, देन हम बायर अकाउंट का कुछ इंटरफेस देखते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे और हंटिंग में किन किन चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एज एग्जांपल amazon.com को लूँगी बिकॉज दिस इज़ ब्रॉड मार्केट ऑफ अमेज़न, और इसी तरह अदर मार्केट्स भी हैं। ठीक है, कनाडा में आप लोग अगर जो है इसके मैं लिंक्स आप लोगों को विद कंट्री नेम्स भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इजीली इनके बायर अकाउंट क्रिएट कर सकें और आपको पता हो कि किस यूआरएल को किस कंट्री के लिए आप यूज़ करें। लाइक एज amazon.ca यूज़ फॉर कनाडा, इसी तरह amazon.com.mx इज़ यूज फॉर मेक्सिको, मेक्सिको स्टेट के लिए यूज़ होते हैं। ब्राज़ील में आप लोग अपना बायर अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं अमेज़ोन का, जिस पे आप लोग हंटिंग और रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए amazon.com.br यूज़ करें।
इसी तरह यूरोप के अगर स्टेट्स को देखिए तो amazon.co.uk, ये यूके की यूनाइटेड किंगडम मार्केट के लिए आप लोग जो हैं इस यूआरएल को या इस लिंक को यूज़ करेंगे। इसी तरह आप लोग जर्मनी में अगर करना चाह रहे हैं तो amazon.de, फ्रांस में करना चाह रहे हैं तो amazon.fr, इटली में करना चाह रहे हैं तो amazon.it, ठीक है। इसी तरह आप लोग जापान में, चाइना में, इंडिया में डिफरेंट जो है लिंक्स को यूज़ करते हुए आप मार्केट प्लेस में बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब ब्राउज़र की तरफ। तो आप लोग जो हैं सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो आप लोग का सबसे पहले ब्राउज़र जो है वो लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन कैसे होगा, आप लोगों ने ये जो आइकन बना होता है क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग एज यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो आप उन पे भी बायर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बट आई रिकमेंडेड यू और मोस्ट रिकमेंडेड यही है कि आप क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करें ताकि इजीली हर वेबसाइट को आप लोग जो है एक्सेस कर सकें। इसी के साथ साथ आप लोग जो है इंटरनेट स्पीड भी इस पर अच्छी होती है और आपके जो लिंक्स हैं या वेबसाइट्स के लिंक्स हैं वो भी एक ह्यूज सिलेक्शन जो है ये कलेक्शन इस पर अवेलेबल होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपका लॉगिन होना चाहिए, ये जो आइकन होता है ब्राउज़र के टॉप पे। सो यहाँ पर देखिए मेरा नेम शो हो रहा है, उसके साथ मेरी जो है जीमेल आईडी यूज़ हो रही है, जिस जीमेल से मैंने इसे लॉगिन किया है वो जीमेल आईडी यूज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे शो हो रही है। सो यहाँ पर मेरा जो ब्राउज़र है वो लॉगिन है ऑलरेडी। आप लोगों ने भी जीमेल आईडी अगर आपकी नहीं है तो आप लोग क्रिएट करेंगे। जीमेल आईडी क्रिएट करना बहुत इजी है, अगर किसी को कोई इश्यू हो या जीमेल आईडी का ना आइडिया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है एनी डेस्क के थ्रू आपको बता भी दूंगी और क्रिएट भी कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी जीमेल आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप लोग जो है जो ये जो मैंने आपको यूआरएल्स दिए हैं, ये लिंक्स दिए हैं, इनको यूज़ करते हुए आप लोग बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल amazon.com मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉर यूएसए मार्केट के लिए। यूएसए मार्केट को मैंने एक्सेस करना है तो उसके लिए amazon.com मैंने टाइप किया, गूगल पे कर लें या ब्राउज़र पे कर लें, सो आप लोगों के पास सेम ही रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से amazon.com का इंटरफेस आपको शो होगा फर्स्ट टाइम। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आपका जो है थोड़ा इंटरफेस चेंज होगा, अगर आपने एक्सटेंशंस कुछ की हुई है तो देन भी आपका जो है यहाँ पर इंटरफेस थोड़ा सा चेंज शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये एक सिंपल वेबसाइट है अमेजोन यूएसए मार्केट की, तो आपने सबसे पहले आ जाना है हेलो साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो फॉर्म शो होगा इसमें आप लोग देंगे, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है अमेजोन पे तो आप लोग वो देंगे जीमेल आईडी। अगर आपका नहीं है, आप बिगिनर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनका अकाउंट नहीं होगा तो वो ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, ठीक है। ठीक है, अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ये फील्ड्स जो है नहीं होंगी फिल, बिकॉज मेरे अकाउंट्स बने हुए हैं इसलिए फिल हो रही है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी आप उन्हें मेंशन करेंगे, ओके, तो उसके बाद सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, नेम, ठीक है। हम यहाँ पर नेम मेंशन करेंगे, मैं यहाँ पे अपना नेम मेंशन करूँगी, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल। अगर आप मोबाइल नंबर से करना चाह रहे हैं, अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप लोग जीमेल आईडी यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप अपनी जीमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना जीमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये वाला। ओके, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड जो है आपने ऐसा पासवर्ड टाइप करना है जो इजीली आप एक्सेस कर सकें, बार बार भूले नहीं, बिकॉज हर अकाउंट पे आप सेम पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज जीमेल आईडी यूज़ करती हूँ ताकि आपको एक्चुअल रिजल्ट दिखा सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप करती हूँ, उसके बाद री इंटर पासवर्ड, यही पासवर्ड जो आपने ऊपर इंटर किया था यही आपको
यहाँ पे अगेन इंटर करना है, उसके बाद आप करेंगे वेरीफाई ईमेल। ठीक है, अच्छा जी मेरा मैच नहीं हो रहा तो मैं अगेन टाइप कर लेती हूँ, मेरा थोड़ा डिफरेंट आ गया है। ठीक है, वेरीफाई ईमेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका ईमेल जो है वो रिसीव होगा। ठीक है, यू इंडिकेट योर न्यू कस्टमर, मुझे ये आ रहा है बिकॉज मेरे ऑलरेडी इस जीमेल पे अकाउंट बने हुए हैं, इसलिए मुझे ये आ रहा है। अदरवाइज आप लोगों का जो है डायरेक्ट क्या आएगा, पजल गेम आएगा। ठीक है, ओके, मैं अगेन कर देती हूँ, मैं जीमेल आईडी अपनी। अच्छा, किसी और ने बनवाना है या क्रिएट करवाना है तो मुझे बता दें, मैं उनका कर लूँ, बिकॉज ऑलरेडी मेरे 10 से 12 जीमेल्स यूज़ हो चुके हैं तो मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरा कौन सा जीमेल आईडी है। ओके, मैं फ़ोन नंबर यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं तो आपके पास इस तरह से यहाँ पर कोड भी आएगा, तो आप लोगों ने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, ताकि क्योंकि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं सो पाकिस्तानी कोड आपने एरिया कोड यहाँ पे मेंशन करने, और नंबर के जो स्टार्ट में 0 होता है वो यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे, आपके जो है एरिया कोड वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड आएगा, पासवर्ड के बाद आप री इंटर कर देंगे पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लगाना है आपने। ठीक है जी, उसके बाद आप लोग करेंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड आएगा जो कि आप लोगों ने इंटर करना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेटवर्क इश्यू है थोड़ा। ओके मिस नबीला, वीडियो शो नहीं हो रही, किसी को भी शो नहीं हो रही, प्लीज कंफर्म कर दें। स्क्रीन शेयर है स्टूडेंट्स? बस मेरी तरफ से कुछ यस ये है। यस फरहान, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके ओके ठीक है, ओके ये नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा। वेरीफाई मोबाइल नंबर करने के बाद आपके पास जो है ओटीपी कोड आएगा। ठीक है, ओटीपी कोड या फिर इस तरह से पजल आएगी, दोनों में से कोई भी स्टेप आपको पहले आ सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ी बहुत जो है स्टेप्स में चेंजिंग आ जाती हैं तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो पजल आएगी इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, पिक द स्पायरल गैलेक्सी, इन गैलेक्सीज के स्क्रीनशॉट्स में से हमने स्पायरल को सेलेक्ट करना है, तो दिस इज द स्पायरल गैलेक्सी, इसे मैंने किया। तो ये 3 टाइम्स भी आपसे मांग सकता है, 1 टाइम भी मांग सकता है। ठीक है, तो जितने टाइम आपसे मांगेगा आपने उसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके तो यहाँ पर मुझे अगेन कह रहे हैं कि अपना पासवर्ड टाइप करें।
ओके हम अगेन सॉल्व करते हैं, वन टाइम डन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या रिक्वायर्ड है। ओके जी, यहाँ पे एरिया कोड हमने इंटर करना है अगेन, ये ले हमने वो भी कर दिया। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, इसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मुझे बताएं। मिस महरीन है यहाँ पे, कौन कह रहा है ये? ओके मिस नबीला, मे बी नेटवर्क इशू हो, ठीक है, बार बार स्क्रीन स्टक हो रही है, ये अकाउंट भी इसीलिए इशू कर रहे हैं, नेटवर्क इशू है मौसम की वजह से। ओके तो ये पजल गेम करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है, वो आएगा ओटीपी, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर, जो भी आपने मोबाइल नंबर यूज़ किया है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड आएगा, लाइक मुझे यहाँ इस टाइम रिसीव हुआ है 6410, सिम पे आएगा, ठीक है। ये थोड़ा लेट भी हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से, सो ये करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आयशा शो होगा, ठीक है, मैं आपको दूसरे ब्राउज़र पे करके दिखा देती हूँ, बिकॉज मेरे जो है, बल्कि यहीं पे मैं साइन इन कर देती हूँ अपना ओल्ड अकाउंट, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम अगर करती हूँ तो मेरा ब्राउज़र ब्लॉक हो जाता है अमेज़न की तरफ से, सो दिस इज़ रिस्की फॉर मी। इस मेल पे मैंने अपना एक सेल सेंटर बनाया था, सो इसलिए मुझे अब रिस्ट्रिक्शन दे रहा है। ठीक है, बायर अकाउंट जो है वो इजीली बन जाता है, इसमें एज इट कोई इशू नहीं है। ये मैं यहाँ पर अपना जीमेल आईडी पुट करती हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मेरा फॉर बायर अकाउंट। ओके, पासवर्ड ओके अच्छा, आपका जब अकाउंट बन जाएगा अगेन आप साइन इन करेंगे तो इस तरह से वेरिफिकेशन भी मांगते हैं आपके जीमेल से, आपका जो जीमेल है आपके मोबाइल पे और आपका जो है ब्राउज़र उस पर लॉगिन होना चाहिए, ताकि क्विकली आप लोग जो हैं इसको वेरीफाई कर सकें, ठीक है। लाइक जैसे मुझे यहाँ पे अप्रूव मांग रहा है, अप्रूव नोटिफिकेशन अमेज़न की तरफ से कि आप जो हैं अपनी इस जीमेल पे हमें नोटिफिकेशन जो है उस पर अप्रूव करें कि ये आप ही हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे डिफरेंट ब्राउज़र पे ये जो है अकाउंट लॉगिन है, सो दैट्स वाई।
ओके, मैंने इसे अप्रूव कर दिया, तो मेरे पास जो है ये हेलो आयशा, ये आपका जो भी नेम आप यूज़र नेम यूज़ करेंगे यहाँ पर आपका नेम शो होगा, ठीक है, साइन इन के बाद। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या शो होगा, पाकिस्तान शो हो रहा होगा जैसे पहले हमें शो हो रहा था। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, पोस्टल कोड इंटर करना है फॉर यूएसए, जोन सी मार्केट को भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी मार्केट का यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, पोस्टल कोड और जिप कोड, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और करेंगे यहाँ पे टाइप यूएसए पोस्टल कोड, ठीक है। उसके बाद आप इंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैलिड कोड हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई समटाइम होता है कि ना मिल रहा हो, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो आप यहाँ पे यूएसए वैलिड कोड इंटर करेंगे तो यहाँ नीचे आपको ये वाले कोड जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी आप कॉपी करें और इसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दें कंट्रोल वी से, देन अप्लाई करें, ठीक है। ये देखें इस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वैलिड नहीं है। अच्छा जी, तो मैं दूसरे वाला चेक कर लेती हूँ इसको, तो कौन सा पोस्टल कोड जो है फॉर यूएसए मार्केट इस टाइम अवेलेबल है, तो इसको चेक कर लेते हैं। यस, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला कोड जो है फॉर यूएसए स्टेट, मेरा डिलीवरी लोकेशन सेट हो गई है। ये दो सेटिंग्स करनी है आपने, साइन अप कर लेना है, उसके बाद डिलीवरी लोकेशन सेट कर लेनी है अपने बायर अकाउंट की, देन आपका बायर अकाउंट जो है वो रेडी है फॉर हंटिंग, ठीक है, और प्रोडक्ट रिसर्च। क्लियर हो गया? यस मैम स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो सुने, गया? यस ये क्या नाम है, आपकी आवाज पहले आ रही है और स्क्रीन जो है ना वो थोड़ी लेट शो हो रही है, गड़बड़ है अच्छा, ऐसा इशू है, जी। ये ये अभी नेटवर्क तक की वो वजह से पोर्टल होगा, आवाज मेरी स्लो है। नहीं, आवाज आपकी ठीक आ रही है, असल में आवाज पहले आ रही है और स्क्रीन जो है ना वो बहुत स्लो स्लो चल रही है। ठीक है, अच्छा मैं अगेन स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई थिंक जी जी मौसम की वजह से थोड़ा इशू है आई नेटवर्क में। ओके चलो सही। अब ठीक है स्क्रीन? नहीं अभी स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर हो नहीं चुकी अभी है, हट गई। अब ठीक है? नहीं अभी भी नहीं आ रही। ओके, सब स्टूडेंट्स को ऐसा इशू आ रहा है, ये जस्ट फरहान को आ रहा है, प्लीज़ कंफर्म कर दिए ताकि मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँ। सबको सेम इशू आ रहा है? वॉइस में बता दें। ओके, आतिका को आ रहे हैं, मिस इरम भी कुछ टाइप कर रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम बायर अकाउंट की तरफ, ठीक है। अपने एंड पे चेक करें अगेन कॉल, आप जो है ज्वाइन करें फरहान, अगर अभी भी इशू आ रहा है तो अगेन कॉल ज्वाइन करें, आपको ये इशू जो है मे बी रिजोल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ ठीक बायर अकाउंट का अदरवाइज रिकॉर्डिंग हो रही है, आप अगेन देख लीजिएगा। अच्छा, ये बायर अकाउंट का इंटरफेस है, सो यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जब आपका बायर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने आ जाना है ये ऑल की जो टैब है, ठीक है, ये हर अकाउंट पे होता है ये ऑप्शन, तो आपने ऑल पे जाना है। और इसके बाद ये जो फर्स्ट टैब है ये थर्ड नंबर पे हो सकती है, ये फर्स्ट पे हो सकती है, बेस्ट सेलर्स, ठीक है। अमेजोन की जो मार्केट प्लेस है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स होती हैं, उन कैटेगरीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट की होती हैं या लॉन्च की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट सेलर्स में जाने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस शो होगा, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे आप एक लिस्ट देख रहे हैं डिपार्टमेंट्स की, ये क्या है, कैटेगरीज है, जो कि अमेजोन रेकमेंडेड करता है कि आप इन इन कैटेगरीज में हमारी मार्केट प्लेसेस में लॉन्चिंग कर सकते हैं,
बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एनी डिपार्टमेंट के नीचे अमेजोन डिवाइसेस एंड एक्सेसरीज, अमेजोन लॉन्च पैड, अप्लायंसेस, ऐप एंड गेम्स, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें अमेजोन जो है यहाँ पर अलाउ करता है कि आप जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या इन कैटेगरीज में अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इन कैटेगरीज को आपने वन बाय वन देखना है और इनमें आज देखते हैं कि हमने किन कैटेगरीज को टारगेट करना है। फॉर FBA होलसेल हमारे लिए कौन सी कैटेगरी जो है वो रिस्की नहीं है और कौन सी कैटेगरी रिस्की है, जिनके भी हाफ पे हम अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर इनमें से किसी एक कैटेगरी पे लाइक यहाँ पर मैं किसी भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि अगेन नेक्स्ट जो है मेन कैटेगरी के बाद जो है मेरी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद सब कैटेगरी या सब डिपार्टमेंट्स जो है इसके शो हो रहे हैं। बेबी हो गया, आप ब्यूटी एंड ग्रूमिंग, क्लॉथिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, ये डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स इसके शो हो रहे हैं, जिसमें आप जो है अदर जो है प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। इसमें भी अगर मैं किसी एक कैटेगरी पे अगर क्लिक करूँ होम एंड किचन की, तो इसमें जो है आपको शो हो रहा है कि मेरी जो मेन कैटेगरी थी जो मैंने फर्स्ट पे से सिलेक्ट की थी वो थी हैंडमेड प्रोडक्ट्स, उसके बाद उसकी सब कैटेगरी में आई हूँ होम एंड किचन। देन इस होम एंड किचन की फर्दर सब कैटेगरीज हैं आर्ट वर्क, बाथ, बेडिंग, क्लीनिंग सप्लाइज, ठीक है, फर्नीचर, होम डेकोर, इन सब कैटेगरीज में भी आप लोग जो है अपनी प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं जब आप लोग हंटिंग करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे आती हूँ किचन एंड डाइनिंग में, सो यहाँ पर मुझे जितनी कैटेगरीज को मैंने पास आउट किया है वो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं और उनकी फर्दर जो है लिस्ट शो होती है कि वो उसकी फर्दर कौन सी सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पास कैटेगरीज हैं अमेजोन मार्केट प्लेसेस की। आप लोग चाहे अमेजोन USA मार्केट को ओपन करें या UK की मार्केट को करें, जिस मार्केट को भी करेंगे ये जो है कैटेगरीज आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं इस इंटरफेस की कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर आप देख सकती हैं बेस्ट सेलर्स कि अमेजोन पे इस टाइम में USA मार्केट में जो बेस्ट सेलर्स हैं या बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन सी हैं जो ये रैंक पे आ रही हैं। ये जो नंबर शो हो रहे हैं इट मींस कि ये BSR है, रैंक दिया हुआ है अमेजोन ने उसको बेस्ट सेलिंग और बेस्ट क्वालिटी बेस पे और बेस्ट रेटिंग के बिहाफ पे इसे फर्स्ट रैंक दिया है कि ये टॉप फर्स्ट पे आ रही है। ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर पे जो है ये वाला ब्रांड है और ये वाली प्रोडक्ट है जो कि अच्छी सेल्स जनरेट कर रही है और क्वालिटी पे अच्छी रेटिंग जनरेट कर रही है, सो इसको जो है अमेजोन ने सेकेंड नंबर पे रैंक दिया है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज में ये देखिए आप यहाँ से कैटेगरीज देख सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं जिनको आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं कि अमेजोन किसको जो है ज़्यादा प्रेफर कर रहा है बेस्ट सेलर्स में। ठीक है, लाइक बेबी कैटेगरी है तो बेबी कैटेगरीज में ये जो है प्रोडक्ट्स हैं जिनको अमेजोन जो है बेस्ट सेलर्स का अवार्ड दे रहा है या बेस्ट सेलर्स में शो करवा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन कैटेगरीज को वन बाय वन चेक करना है। अब देख लेते हैं कि इन कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज जो है हमारे लिए रिस्की हैं और कौन सी कैटेगरी रेकमेंडेड है। ठीक है, ओके, चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। सो स्लाइड्स पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अमेज़न पे कौन सी कैटेगरीज जो है हमें अवॉइड करनी है जिनमें हमने अपनी प्रोडक्ट रिसर्च या ब्रांड रिसर्च नहीं करनी। उनमें कुछ टाइप्स हैं कैटेगरीज की, लाइक गेटेड कैटेगरीज, ऐसी कैटेगरीज, ठीक है, जो कि अमेजोन अलाउ नहीं करता, ठीक है, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। लाइक आपने अगर किसी गेटेड कैटेगरी, लाइक ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन सी गेटेड कैटेगरी हैं जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस आ रही है या कोई केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं या कोई हार्मफुल मटेरियल यूज़ हो रहा है, उन्हें कहते हैं गेटेड कैटेगरी, जिसमें अमेजोन जो है सर्टिफिकेशन मांगता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड करता है, उसके बाद जो है आपको उस प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशन देता है। तो हमने ऐसी कैटेगरी से अवॉइड करना है। उसके बाद ऐसी कैटेगरीज जिनको हमने FBA होलसेल में रेकमेंड करते हैं
और अमेजोन रेकमेंड करता है और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि गेटेड हो सकती हैं, जिन पे अमेजोन जो है वो जिनको बैन कर देते हैं अगर आप कोई सर्टिफिकेशन या कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करते अमेजोन को एज अ सेलर, तो अमेजोन जो है आपके लिस्टिंग को या आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है और आपको उस प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशन नहीं देता। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ज्वेलरी, ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स या फिर ऐसा मटेरियल जो कि स्किन से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये स्किन पे यूज़ होती है ज्वेलरी बेसिकली, तो स्किन पे इन्फेक्शन ना कर दे, कोई ऐसा मटेरियल यूज़ ना हो रहा हो, इसके जो है कोई हार्मफुल केमिकल्स ना हो, उस पर कोई ऐसी पॉलिश ना यूज़ हो रही हो जो कि फ्लेम को कैच करने वाली हो, ठीक है। लाइक ज्वेलरी के साथ जब फीमेल्स आती हैं किचन में या किसी अदर हॉट स्पेस पे, तो क्या होता है ज्वेलरी जो है इन्फेक्शन कर देती है। तो सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं वो ज्वेलरी पे आती हैं। ज्वेलरी एक ऐसी कैटेगरी है अमेजोन पे जिन पे अमेजोन जो है सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड करता है, कुछ लैब टेस्ट होते हैं, मटेरियल टेस्ट होते हैं जिनको आप जो है अमेजोन को शो करवाते हैं या सबमिट करवाते हैं, देन आपको अमेजोन जो है वेरिफिकेशन के बाद परमिशन देता है कि यस यू कैन सेल नाउ इन दिस कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में बेसिकली पेंटिंग पेंट्स जो है पेंट्स यूज़ होते हैं, ब्रशेज यूज़ होते हैं फाइन आर्ट्स के, और भी बहुत सारे जो है मटेरियल है जिसमें थोड़ा हार्मफुल या रिस्की मटेरियल यूज़ होता है जो कि एक्सपायरी भी हो सकता है, ठीक है। तो उनमें भी अमेजोन जो है रिस्ट्रिक्शन मांगता है कि आप जो सेल करने जा रही हैं प्रोडक्ट या फिर जो मटेरियल उसकी बकायदा टेस्ट हो, लैब टेस्ट हो, देन आप जो है इसे सेल कर सकते हैं। इस तरह नहीं है कि आप कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट उठाई और आप अमेजोन पे सेल कर दें, नो। यहाँ पर आपको हर कैटेगरी के लिए अमेजोन जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, देन हम उसे सेल कर सकते हैं। इसी तरह हॉलीडे सेलिंग रिक्वायरमेंट्स लाइक टॉयज हो गए, गेम्स हो गई, उनके लिए भी अमेजोन जो है कुछ सर्टिफिकेशन रिक्वायर करता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट के कलेक्शंस हैं, ठीक है। इसी तरह म्यूज़िक एंड डीवीडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरीज में भी अमेजोन जो है कुछ सर्टिफिकेशंस रिक्वायर करता है जो कि अगर सेलर्स के पास होंगी देन ही अमेजोन आपको परमिशन करेगा। इसी तरह पावर स्पोर्ट्स हैं, स्ट्रीम्स मीडिया प्लेयर हैं, वॉचेस हैं, बैटरीज की प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स की प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉस्मेटिक्स मैंने मेंशन नहीं किया, बट कॉस्मेटिक्स की भी प्रोडक्ट्स को अमेजोन अलाउ नहीं करता जब तक आप उसे अनगेट नहीं करवा देते। अनगेट मींस कि आप जब तक उसकी केमिकल्स की या फिर उसके मटेरियल की या फिर उसकी क्वालिटी की हर चीज़ की आप वेरिफिकेशन नहीं दे देते, डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करवा देते, तब तक आपको अमेजोन जो है अलाउ नहीं करता कि आप उसे सेल करें। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी या कौन सी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स से हमने अवॉइड करना है इन होलसेल के लिए, ठीक है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी जो है कैटेगरीज जो अनगेट हो जाती हैं फिर भी, लाइक वॉचेस हैं या फिर पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स आ गई हैं, स्पोर्ट्स की आ गई हैं, फिर भी हमने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें होलसेल में सेल करने के लिए अवॉइड करना है। अदर जो है बिजनेस मॉड्यूल लाइक प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, उसमें तो हम कर सकते हैं बट होल सेल में नहीं कर सकते। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज भी हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो कि ईजिली ब्रेकेबल हैं, ठीक है, लाइक ग्लास मटीरियल है, कोई जो है लाइट में आ सकता है, लाइट मटीरियल है, ठीक है, जो कि ईजिली ब्रेकेबल है, इसे आप लोग होल सेल के लिए नहीं करेंगे बिकॉज हमने लेनी होती है इन्वेंट्री, तो होल सेल में कुछ इन्वेंट्री हमने बाय करनी होती है, जब शिपिंग करवाती हैं तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है कि हम एक जो है रिटेलर मार्केट से हम उसके बाद प्रेप सेंटर में करवाते हैं लेबलिंग के दौरान, उसके बाद लेबलिंग के बाद जो है हम अमेजोन वेयर हाउस में शिप करवाते हैं FBA होल सेल के लिए, तो इन शिपिंग प्रोसीजर्स में या इन स्टेप्स में हमें थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर हम ग्लास मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए हमने होल सेल में अवॉइड करना है ऐसा कैटेगरीज या ऐसी प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट नहीं करना या टारगेट नहीं करना जो कि ब्रेकेबल हो। हैजमेड प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ईजिली फायर को कैच कर लेती हैं, ठीक है, फ्लेम रिटार्डेंट नहीं होती, ऐसी प्रोडक्ट्स को भी हमने
अवॉइड करना है ऐसी प्रोडक्ट को भी हमने नहीं लेना, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिक हो गई, बैटरीज हो गई, इसी के साथ साथ कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें फैब्रिक यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें प्लास्टिक यूज़ होती है, जो कि इजीली जो है फायर को या आग को या इलेक्ट्रिक शॉट को कैच कर लेती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स को भी हमने अवॉइड करना है। उसके बाद मल्टीपल वेरिएशंस, लाइक वेरिएशंस मींस के टाइप ऑफ साइज हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, ठीक है, कलर्स की वेरिएशंस हो सकती हैं। लाइक एक शर्ट है फैब्रिक कैटेगरी में आ गई, उसके डिफरेंट कलर्स हैं जो कि एक सेलर सेल कर रहे हैं, और उसके बाद क्वालिटी की हो सकती है, उसके डिज़ाइन की हो सकती है वेरिएशन, उनके साइजेस की हो सकती हैं, मीडियम स्मॉल लार्ज, तो इस तरह की कैटेगरी से भी या प्रोडक्ट से हमने अवॉइड करना है, ताकि हमें कल को जब हम शिप करवाते हैं या इन्वेंट्री बाय करते हैं, हमें ये डिफ़िकल्टी ना हो कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है, तो हम उस पर ज़्यादा जो है अपना बजट या इन्वेस्टमेंट लगाएं, ठीक है। तो ये समटाइम्स जो है हमें कन्फ्यूजन रह जाती है कि कौन सी वेरिएशन जो है ज़्यादा सेल हो रही है। समटाइम होता है कि कुछ वेरिएशन ऐसी होती हैं, कलर ऐसे होते हैं जिनका ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है, तो वो उस टाइम में जब हम हंटिंग करें उस टाइम तो ट्रेंडी है, बट इन फ्यूचर जो है वो कलर ट्रेंडी नहीं होता, तो हमारा हमने तो वो वही इन्वेंट्री मंगवा ली, बिकॉज जब हमने हंटिंग की है तो उस टाइम वो ट्रेंड में था कलर। इसी तरह नेक्स्ट टाइम जो है कोई और कलर या कोई और साइज़ या डिज़ाइन जो है ट्रेंड में आ जाता है, तो हमारी जो इन्वेंट्री बाय की हुई है अमेजोन वेयर हाउस में वो वेस्ट हो सकती है, ठीक है, बिकॉज अब उसका ट्रेंड नहीं रहा, ट्रेंड ही नहीं रहा या उसका सीज़न नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए अमेजोन पे मल्टीपल वेरिएशंस या होलसेल बिजनेस के लिए मल्टीपल वेरिएशंस को हम अवॉइड करेंगे, ताकि हमें इस तरह का कोई भी रिस्क या लॉस ना हो। इसके बाद प्लग इन टू इलेक्ट्रिकल सकेट्स, ऐसे सकेट्स जो कि जिसमें प्लग यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो है प्लग्स यूज़ होती हैं, ये इलेक्ट्रिकल वायर यूज़ होती हैं, ये बैटरीज यूज़ होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट को भी हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज जब हम इन्वेंट्री बाय करते हैं तो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे, रिटेलर मार्केट्स में जब एक बल्क में हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बना बनाया हम ऑर्डर ले रहे होते हैं, हम कोई मैन्युफैक्चर नहीं करवा रहे होते, तो हम क्या करते हैं, उनमें थोड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ जो है एक्सपायरी हो, कुछ में थोड़ा फॉल्ट हो, कोई बैटरी जो है वो डैमेज हो, ठीक है, तो इस तरह की जो है इश्यूज आ सकते हैं। सो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स से और बैटरीज की प्रोडक्ट्स से और सर्किट्स की प्रोडक्ट्स से अवॉइड करेंगे, ताकि हमारी इन्वेंट्री में कुछ भी वेस्टेज का या फिर कोई भी इस तरह का इशू ना आए। उसके बाद क्वालिटी एंड लायबिलिटी इशू, लाइक क्वालिटी बेसिस इशू या एक्सपायरी इशू, या फिर इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स है जिसको स्टोर नहीं कर सकते हम और इजीली जो है शिप नहीं करवा सकते, इस तरह की प्रोडक्ट को भी हम नहीं लेंगे, बिकॉज उस पर लायबिलिटी इश्यूज आ जाती हैं। लाइक अगर हमने आज इन्वेंट्री बाय की है, वो सेल नहीं हो रही, बट वो एक्सपायरी डेट उसकी आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइस वार में कम से कम अपनी प्राइस जो है वो डाउन रखनी पड़ेगी अपने कॉम्पिटिटर से, तो उसमें हम लॉस में भी जा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है ऐसी प्रोडक्ट जिनसे हमने अवॉइड करना है वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी जो हमने अभी बायर अकाउंट पे देखी हैं कैटेगरीज, उन कैटेगरीज में कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको हमने टारगेट करना है और जिनको हमने सिलेक्ट करना है, तो अब वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जी, रेकमेंडेड कैटेगरीज जो हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है बेबी कैटेगरीज, लाइक बेबी का कोई टॉयज हो सकता है, ऐसा टॉयज जो कि ब्रेकेबल ना हो और जिसमें कोई भी लाइक सिलिकॉन टाइप की या कोई भी ऐसा केमिकल यूज ना हो जो कि इजीली ब्रेकेबल हो, लाइक बाइट कर देते हैं बेबीज तो वो उनके जो है पेट में ना जाए, कि जम्स का कोई इशू ना हो, इस तरह की बेबी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है। अदरवाइज हम बेबी प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, बहुत सारी कलेक्शन है बेबी प्रोडक्ट्स में, उनकी बेबी केयर्स में आ सकती है, बेबी हाउस होल्ड में आ सकती है, ठीक है। इसी तरह हेल्थ एंड हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स को भी हम ले सकते हैं, और आर्ट एंड क्राफ्ट की जो है प्रोडक्ट्स उसमें भी हम स्विंग में जा सकते हैं, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, किचन एंड डाइनिंग, होम एंड किचन, पेट सप्लायर्स, या पेट सप्लायर नहीं, यहाँ पे पेट सप्लायर्स आएगा, ओके, ठीक है, पेट सप्लायर्स की जो है कैटेगरी हम उसमें जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकती हैं। मैंने आपको कुछ जो है कंडीशंस बता दी हैं होलसेल की, कि ये कंडीशंस इनसे आपने अवॉइड करना है, उसके अलावा जो है आप इन कैटेगरीज में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो
सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो कि हाउस होल्ड या फिर डेकोर के लिए यूज़ होती हैं उनको आप ले सकते हैं, लॉन एंड गार्डन की ले सकते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। ह्यूज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन अमेजोन मार्केट प्लेसेस। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइक होम एंड किचन में अगर हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं, क्योंकि ये अनगेटेड कैटेगरी है और इसमें जो है किचन एंड डाइनिंग में चले जाएँ या होम एंड किचन में, सो अब देखते हैं कि इसमें किस टाइप की जो है प्रोडक्ट्स हमें शो करवाता है अमेजोन। सो यहाँ पे होम एंड किचन में बेडिंग कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ कुछ किड्स प्रिंट्स में आ गई हैं, ठीक है, लंच बॉक्सेस में आ गई हैं, किचन में, किचन कैटेगरी में आ गई है, उसके बाद होम एक्सेसरीज की कैटेगरीज में आ गई है एक प्रोडक्ट, उसके बाद इनडोर फ्रूट्स फ्लाई किलर आगे है, ठीक है, इसी तरह किचन की कैटेगरीज में भी आ सकते हैं चॉपर्स, मशीन्स, ठीक है। इन सारी कैटेगरीज को हमने चेक करना है वन बाय वन कि कौन सी प्रोडक्ट जो है हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस है, ठीक है। तो ये हो गया कैटेगरीज का कॉन्सेप्ट कि आप लोग किन कैटेगरीज में जाएंगे और किन कैटेगरी से अवॉइड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन तो नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, नेक्स्ट फिर हम टूल्स की तरफ मूव करते हैं। यस, एनी कन्फ्यूजन? ठीक है, न्यू स्टूडेंट फरहान भट्टी एंड मोहम्मद इरफान, आपको कोई कन्फ्यूजन है? मिस इरम, आतिका, कैटेगरी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें, मैं रिपीट कर दूं। नो क्वेश्चन? फरहान, आपको स्क्रीन का इशू जो है वो सेट हो गया है, अब तो नहीं आ रहा कोई इशू स्क्रीन का? यस फरहान, अभी नहीं आ रहा, स्क्रीन ठीक आ रही है। ओके, आपके अभी भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मिस नबीला? अच्छा, आप जस्ट सुन रही हैं। अब देखिए, स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं शेयर हो रही। ओके, अब स्क्रीन नहीं शेयर हो रही तो मैं फिर कैसे बताऊंगी कि टूल्स आपने कैसे यूज़ करने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टूल्स की कि आप लोग जो हैं फ्री कौन कौन से टूल्स और एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हंटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनमें मैनुअली सर्च कैसे करते हैं और उन मैनुअली सर्च के लिए आप लोग के पास कौन कौन सी फ्री एक्सटेंशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर हंटिंग क्राइटेरिया विद क्राइटेरिया हम देखेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि ये एक्सटेंशन आपके पास होनी चाहिए जो कि आप हंटिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है सेलर सप्लाइड, इस पर आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, ये फ्री एक्सटेंशन है। उसके बाद सेलर एडन, उसके बाद जो है प्राइस ब्लिंक, जंगल स्काउट की फ्री एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। जंगल स्काउट बेसिकली पे टूल है बट इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमें फ्री एक्सटेंशन से भी उनकी एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद कीपक की फ्री एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, हीलियम 10 की फ्री एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्राफ, प्राइस ग्राफ के लिए। उसके बाद TWF बाई बॉक्स स्कोप को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन सब एक्सटेंशंस को आप लोग फ्री जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे अपने ब्राउज़र पे। मैं आपको एक जो है करके दिखा देती हूँ, आपने सिंपली चले जाना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आपने इन एक्सटेंशन को किस तरह से अपलोड करना है अपने ब्राउज़र में, ये मैं आपको बता देती हूँ। वन बाय वन आप लोगों ने इनको अपने ब्राउज़र में यूज़ कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करती हूँ सेलर सप्राइट, ये मुझे ये वाली एक्सटेंशन जो है दिखाएं। सेलर सप्राइट एक्सटेंशन को आप लोगों ने सर्च कर लेना है और यहाँ पर जो लिंक है वो कौन सा यूज़ करना है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं, कुछ एड्स होती हैं, कुछ फेक होते हैं जहाँ पर एक्सटेंशन का आपको लिंक नहीं मिलता,
ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, तो आप लोगों ने क्रोम गूगल वाला जो है लिंक हर एक्सटेंशन के लिए यूज़ करना है, इसको ओपन कर लेना है, तो यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं chrome.google.com का लिंक है, इसे मैं ओपन कर लूँगी, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। ये वाला ऐड टू क्रोम आपने इस पर क्लिक करना है, देन आप जो है आपकी एक्सटेंशन अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगेन ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, तो जब ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन जो है यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह जब ये अपलोड हो जाएगी हम इसे अपने ब्राउज़र पे पिनअप कर लेंगे। यस, ये एक्सटेंशन जो है अपलोड हो चुकी है। ये वाला जो आइकन है एक्सटेंशन का, इस पर मैं क्लिक करूँगी और चेक करूँगी कि ये एक्सटेंशन जो है अपलोड हुई है कि नहीं। अभी नहीं हुई, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, मैनेज एक्सटेंशन में जाएंगे और चेक करते हैं कि ये एक्सटेंशन जो है हुई है कि नहीं। यस, ये एक्सटेंशन जो है हो चुकी है। अच्छा, ये जो है अगर आपके पास ऑफ आ रहा है तो इसे ऑन कर लें, आपके ब्राउज़र पे एक्सटेंशन जो है ऑन हो जाएगी। उसके बाद आपने पिनअप कर लेना है इस एक्सटेंशन को, ठीक है। तो जब आप इस ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी कि ये वाली एक्सटेंशन अपलोड हो चुकी है, इसे इस ऑप्शन से पिन कर लेंगे ताकि वो आपके ब्राउज़र पे नज़र आए, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंशन जो है अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट मैंने जो बताई है वो है सेलर एडन, ठीक है, सेलर एडन क्रोम एक्सटेंशन। इसका भी सेम आपने गूगल क्रोम वाला जो है लिंक यूज़ करना है, इसको ओपन कर लेंगे और उसके बाद ऐड टू क्रोम करेंगे तो आपकी जो है ये एक्सटेंशन अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें जो है क्या रिजल्ट्स हमें शो करवाएंगे, इसका क्या बेनिफिट है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हुई है कि नहीं। यस, हो चुकी है और इसे पिनअप कर लेंगे तो ये एक्सटेंशन जो है हमारी टू एक्सटेंशन अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो कुछ भी रिजल्ट्स मुझे शो नहीं हो रहे, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स। किसी भी लिस्टिंग को अगर मैं ओपन करती हूँ, लाइक इसको मैंने ओपन किया, ठीक है, इस तरह से मुझे ब्लैंक रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, यानी कि बेसिक जो अमेज़ोन की मार्केट में शो होते हैं, लाइक टाइटल है और ये बाय बॉक्स है, उसके बाद बुलेट्स पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से आपको रिजल्ट शो होंगे। जब आपने ये एक्सटेंशन कर ली है, इन एक्सटेंशन को अपलोड करने के बाद अब आप देखेंगे ये वाले रिजल्ट्स, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके हर लिस्टिंग पे, हर पेज पे ये शो हो रहे हैं, ये वाले रिजल्ट्स जो कि पहले नहीं आ रहे थे, ठीक है। पहले आपको जो लिस्टिंग है वो कहाँ से शो हो रही थी, प्रोडक्ट डिटेल पेज टाइटल से, ठीक है, यहाँ से। अब अगर आपने एक्सटेंशन कर लिया है तो ये देख रहे हैं सेलर सप्राइट, और सेलर सप्राइट ने हमें ये वाले कुछ रिजल्ट्स दिखाए हैं, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स दिखाए हैं जो कि हमें मैन्युअली नहीं शो होते, ठीक है। जिसमें सबसे पहले एसएन है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। हर प्रोडक्ट को अमेजोन जो है एक नंबर असाइन करता है जिसे एसएन बोलते हैं, ASIN भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है सेलर सप्राइट ने हमें यहाँ पे शो करवा दिया है। अदरवाइज अगर मैं इस एक्सटेंशन को ऑफ करूँ तो मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। मैं इस एक्सटेंशन को ऑफ करती हूँ, देन आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि आपको कैसे रिजल्ट शो होंगे। लाइक सेलर सप्राइट अगर नहीं थी हमारे पास तो हमारे पास जो है इस तरह रिजल्ट शो होते हैं, ठीक है, विदाउट सेलर सप्राइट एक्सटेंशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को कहीं भी जो है एसएन शो नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर टॉप पे। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने एसएन लेना है, बिकॉज एसएन इज़ इम्पोर्टेंट थिंग इन ऑल प्रोडक्ट्स लिस्टिंग, ठीक है, आप लोग जो है एसएन को आपने सेव करना होता है, एसएन को आपने यूज़ करना होता है किसी भी लिस्टिंग को एक्सेस करने के लिए, और इसी एसएन को यूज़ करके आप डिफरेंट जो है नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, यानी कि स्टेप्स को फॉलो करेंगे हंटिंग के लिए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एसएन आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। मैनुअली जो है यहाँ पर शो नहीं हो रहा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस पेज के एंड में,
ठीक है, इसके एंड में प्रोडक्ट डिटेल्स होती हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ पर आपको ASIN नंबर मिलता है, दिस इज, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है SN यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, हर प्रोडक्ट पे। अदरवाइज कोई टूल अगर जैसे सेल्स पैड यूज़ करते हैं तो वो आपको टॉप फर्स्ट पे शो करवा देता है। इसी तरह अगर आप लोग किसी टूल के बगैर अगर आप देखना चाहें ASIN प्रोडक्ट डिटेल्स के अलावा, तो यहाँ पर भी शो हो रहा है इसके URL में, ठीक है, इस लिस्टिंग के इस लिंक में भी यहाँ पे ASIN शो हो रहा है। तो ये जो कुछ फीचर्स हैं ये आप इजीली किसी भी एक्सटेंशन या टूल को यूज़ करते हुए आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर ऑन करती हूँ, अब मैं दिखाती हूँ कि इस लिस्टिंग पे मुझे कौन सी एक्स्ट्रा डिटेल शो हो रही हैं जो कि पहले मुझे शो नहीं हो रही थी, ठीक है, ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, मुझे प्रोडक्ट डिटेल पेज में नहीं जाना पड़ेगा, मुझे URL में नहीं फाइंड करना पड़ेगा कि ASIN कहाँ है। मैं जस्ट सिंपली यहाँ से कॉपी का ऑप्शन भी मुझे ये एक्सटेंशन दे रही है, यहाँ से मैं ASIN कॉपी करूँगी और अपने पास इस प्रोडक्ट को सेव कर लूँगी, ठीक है। इस प्रोडक्ट को सेव करना है तो मैं इसका लिंक भी ले सकती हूँ, इसका ASIN भी ले सकती हूँ, ठीक है, मैं इसे सेव कर सकती हूँ। उसके बाद देखिए तो सेलर सप्लाइड के रिजल्ट्स में ब्रांड नेम शो हो रहा है, जो कि पहले हमें जो है रेंडमली यहाँ पे शो हो रहा था, इसकी इंफॉर्मेशन में ये वाली कुछ डिटेल्स जो बेसिक दी हुई हैं, यहाँ पर हमें मटेरियल और ब्रांड नेम शो हो रहे होते हैं या फिर इसके डिटेल में शो हो रहे होते हैं, बट सेलर सप्लाइड ने हमें यहीं पे बता दिया है कि इसका इस लिस्टिंग का ब्रांड नेम क्या है। उसके बाद कैटेगरीज, उसके बाद सेलर नेम कौन सा है, ठीक है, ये हम वन बाय वन हर चीज़ को इन एक्सप्लेन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, हम ब्रीफली देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स के सेलर्स क्या होते हैं, ब्रांड क्या होते हैं, फुलफिलमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद ये जो है मेन कैटेगरी बता रही है सेलर सप्लाइड की, इसकी मेन कैटेगरी कौन सी है और इसकी सब कैटेगरी में इसका जो है ये रैंक कौन सा है और इसी के साथ इसकी सब कैटेगरी कौन सी है ये बताया है। देन उसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ बताई हैं कि इसका वेट क्या है, डायमेंशंस क्या है, उसकी पब्लिश डेट क्या है, तो ये कुछ मेन जो है इसकी फीचर्स बताई हैं कि उसकी वेरिएशंस कितनी हैं, 204 इसकी वेरिएशंस हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट की बेड शीट की, तो ये कुछ फीचर्स बता दी हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं दूसरी एक्सटेंशन, क्योंकि हमने इनको यूज़ करने हैं फॉर हंटिंग, तो इसलिए मैं आपको इनके फीचर्स बता रही हूँ साथ साथ, इसको देख लेते हैं। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे किसी भी लिस्टिंग पे, ठीक है, ये एक्सटेंशन जो है लिस्टिंग पे वर्क करती है प्रोडक्ट पेज पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा रही हैं कि यहाँ पर जो है इसको सेल करने वाले टोटल 1000 जो है सॉरी इसका जो स्टॉक है वो 1000 पीसेस में है। उसके बाद अमेजोन वेयर हाउस जो है इसे सेल कर रहा है। उसके बाद सेकंड जो सेलर है वो कौन है, CGK, ठीक है, ये सेलर्स नेम शो हो रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी किस सेलर के पास कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पे शो करवा रही है। उसके बाद प्राइस कि कौन सा सेलर किस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसकी डिटेल्स हमें दे रहा है। उसके बाद टाइप कि इस सेलर की टाइप कौन सी है, अमेजोन सेल कर रहा है या FBA सेल कर रहा है, इन सेलर्स टाइप को हम इन डिटेल्स देखेंगे, ओके। उसके बाद FBM जो भी सेलर होगा वो यहाँ पे हमें शो करवा देंगे। रेटिंग्स कैसी है, किस सेलर के पास कैसी रेटिंग है वो हमें ये जो है एक्सटेंशन शो करवाएगी। उसके बाद डिलीवरी जो है वो हमें शो करवाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो कि हमने हर प्रोडक्ट पे चेक करनी होगी फॉर हंटिंग। तो ये आपने सबसे पहले एक्सटेंशन को अपलोड कर लेना है, जैसे मैंने ये वाली बताई है सेम एज इट इज़ दूसरी एक्सटेंशन भी अपलोड होंगी, ठीक है, इनको आप अपलोड कर लेंगे, देन आप लोग जो है नेक्स्ट हंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी कंफ्यूजन, फरहान और मोहम्मद इरफान, Atika and Iram, any other student? Iram left कर दी है, okay. जी मोहम्मद इरफान और फरहान, आप लोगों का कोई question है इससे related तो पूछ सकते हैं। Next जो हमारा होगा lecture वो होगा proper product hunting पे, कि product research
कैसे करते हैं और कौन सा क्राइटेरिया आप मैनुअली हंटिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है, देन हम उनकी टेक्निक सीखेंगे, कितनी टाइप्स की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम प्रेडेटर हंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो है आज का जो वर्क है और असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोग बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, आप लोगों ने बायर अकाउंट क्रिएट करना है। इसका जो है मैं आपको स्लाइड में ही बता देती हूँ कि कौन सा असाइनमेंट होगा। क्रिएट योर बायर अकाउंट, ठीक है, एटलीस्ट 5 to 6 मार्केट प्लेसेस, ठीक है, अपने 5 to 6 बाय अकाउंट क्रिएट करने हैं। देन आप लोगों ने क्या करना है, फ्री एक्सटेंशंस को अपलोड कर लेना है, ठीक है। फ्री एक्सटेंशन ऑन योर ब्राउजर्स, ठीक है, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उन पे आप फ्री एक्सटेंशंस को अपलोड कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क है जो कि नेक्स्ट क्लासेस तक आप लोग जो है कंप्लीट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट जो है प्रोसीड कर सकूं इजीली, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूं, अदरवाइज मैं क्लास एंड करती हूं। जी एनी क्वेश्चन, फरहान मैम, ये था कि ये जो आपने एसेंस के बारे में बताया इसका क्या यूज है? एसेंस का क्या यूज है? एसेंस जो है अमेज़न आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जब भी हम ये प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, लाइक मैंने इसका डिटेल पेज बनाया है, ठीक है, वो हम सेलर सेंट्रल से बनाते हैं। सेलर सेंट्रल अकाउंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया है ना, जब हम ये लिस्टिंग कर रहे होते हैं या सेलर जब ये लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, न्यूज लिस्टिंग, तो उस टाइम जो है अमेज़ॉन इसे एक स्पेसिफिक नंबर दे देता है। लाइक मैंने अगर कोई स्टोर बनाया है तो मैं ये तो नहीं करूँगी कि मैंने सबको 1-1 का नंबर दे दिया है तो हर सेलर जो है वो 1 नंबर की प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो इसी तरह अगर जैसे हम होल सेल मार्केट में कोई अगर हम देखें स्टोर, तो वहाँ पर डिफरेंट सेलर जो कि वहाँ पर लेने वाले होते हैं, ठीक है, डिफरेंट बायर, सॉरी, तो उन बायर्स के एक स्पेसिफिकेशन लगा देते हैं कि इस मॉडल का जो प्रोडक्ट है वो इस बायर को देना है, इस जो मॉडल का नंबर है वो इस बायर को देना है। इसी तरह अमेज़ॉन जो है अपने स्टोर्स पे या अपनी मार्केट प्लेसेस पे एक स्पेसिफिक लिस्टिंग को एक नंबर दे देता है जिसे कहते हैं एसएन, ठीक है। इसे एक स्पेसिफिक हर लिस्टिंग का एसएन जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, जैसे इसका एसन जो है वो ये है, इसी तरह किसी और सेम प्रोडक्ट को मैं देखूंगी उसका एसन कोई और होगा। तो हर लिस्टिंग को एक डिफरेंट नंबर दे देता है ताकि हर सेलर की प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन हो सके, ठीक है। तो इसे कहते हैं एसन, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका जो है एब्रीवेशन है। सो इसका यूज़ ये है कि आप लोग इससे जस्ट ओनली इस एसन को अगर मैं आपको इसको सर्च करके दिखाऊँ, इस सर्च बार में जाके पेस्ट करते हैं, देन आप लोग सर्च करते हैं, तब भी आपको जो है ये देखिए सेम प्रोडक्ट आपको शो हो जाएगी, ठीक है। लाइक आपके पास इसका लिंक नहीं है, आपके पास इसका टाइटल नहीं है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का, तो आप जस्ट एसएन के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इस लिस्टिंग का एक स्पेसिफिक नंबर है जो कि कोई सी और लिस्टिंग को अमेज़ॉन ने नहीं दिया, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो कि अमेज़ॉन हर लिस्टिंग को सेपरेटली जो है प्रोवाइड करता है, क्लियर? ठीक है, क्लियर। ओके, ये ठीक है। असाइनमेंट 5-6 अकाउंट बनाने, जी जी रिपीट करें क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि असाइनमेंट में 5-6 अकाउंट बनाने हैं, यस, 5-6 बाय अकाउंट बनाने हैं जो कि मैं आपको ये शेयर करूंगी, ये वाली स्लाइड। तो इसमें आप लोग amazon.com, amazon.ca, amazon.uk
ठीक है, इसको आप यूज करते हुए अमेजोन के अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अमेजोन कनाडा में अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो आप amazon.ca इस लिंक को गूगल पे टाइप करेंगे, ठीक है, ब्राउजर पे या गूगल पे, तो आप लोगों के पास इस तरह से मार्केट प्लेस आ जाएगी। अगेन वही प्रोसीजर है, अगेन आप साइन इन करेंगे, डिलीवरी लोकेशन सेट करेंगे, तो आपका जो है बायर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई आपको डिफिकल्टी आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके मोहम्मद इरफान, आपको कोई क्वेश्चन है? ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।